साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था को करीब करीब दोगुना करने के लिए हमारे प्रयास सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसके लिए हम राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को विस्तार देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी प्राथमिकता में है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, इस सारी बातों के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर आज जो चर्चाएं हो रही हैं, मैं उससे भली भांति परिचित हूं। और जो भी कहा जाता है, मैं कभी ऐसी चीजों को चुनौती नहीं देता हूं। मैं हर बात में से अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करता हूं, अच्छाई को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि उन चर्चाओं के बीच हमें ये भी याद करना होगा कि पहले की सरकार के समय एक क्वार्टर में जीडीपी की विकास दर 3.5% तक पहुंच गई थी। याद करिए, उस दौर में सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची? 9.4% तक। सीपीआई कोर इन्फ्लेशन कहां थी? 7.3%। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन कितने तक पहुंची थी? 5.2% तक। फिस्कल डेफिसिट कहां तक गया था? जीडीपी के 5.6% तक। उस समय जीडीपी के अनेक क्वार्टर्स ऐसे गए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय कुछ लोग क्यों चुप थे। फ्रेंड्स, देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, लेकिन देश में वो सामर्थ्य है कि वो हर बार ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर के निकला है। और इसलिए अभी की परिस्थिति से भी भारत और मजबूती के साथ और नई ताकत के साथ और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा।